मानिहाल के एक दूर दराज के गांव के रहने वाले 25 साल के खातून हिना लतीफ ने एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन लेकर हिना लतीफ और उनके शौहर ने 2022 में एक कंपनी की शुरुआत की थी जो रामबन के चुनाब इलाके में अपनी तरह का पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। इस यूनिट के शुरू होने से इलाके में रहने वाली ख्वातीन को भी रोज़गार मिला। बता दें कि फिलहाल उनकी फैक्ट्री में 7 ख्वातीन काम करती हैं। इस कंपनी के स्नैक्स की मुख्तलिफ रेंज ने रामबन और ज़िले के बाहर के भी दुकानदारों और कारोबारियों को काफ़ी मुतासर किया है और वो हिना लतीफ़ के प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों आवाम के आवाज़ प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के एल जी मनोज सिन्हा ने हिना लतीफ़ के इस बेमिसाल काम को खूब सराहा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने के बारे में बेदार किया। मैंने ये यूनिट एस्टेब्लिश किया है बाकी लोगों की मदद से, मेरे अपनों की मदद से, मेरे ससुराल वाले और मायके वालों की मदद से, मेरे भाई और बहनों की मदद से और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी वजह से भी हम सब यहाँ मिलके काम करते हैं। हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सर्दियों की बर्फ़ और गर्मियों की धूप में हम अपना खून पसीना एक करके हमने यहाँ पर बहुत मेहनत की है तब जाके हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो रही बात आइडिया की, तो हमने गूगल से सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, हमें वहाँ से आइडियाज़ मिले हैं। जिस तरह हमें वहाँ से आइडियाज़ मिले, हमने सोचा और भी लोगों को इस तरह के आइडियाज़ मिले। देखिए वैसे तो अनगिनत लोग हैं जो हमें बैकग्राउंड से भी सपोर्ट कर रहे हैं और फ्रेंड से भी सपोर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज हमारे पास यहाँ पे 7 वुमेन्स है क्योंकि मेरा मोटिव रहा है कि अगर मैं एक लड़की हूँ तो बाकी लड़कियों को भी एम्पावर करने की कोशिश मैंने की है। वी कैन से इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे 7 फीमेल्स यहाँ पे एम्प्लॉय कर रखी है जो हमारे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे हम एज अ फ्रेंड यहाँ पे सब मिलके काम करते हैं। मैंने इनको कभी नहीं दिखाया कि ये मेरा यूनिट है, तो इन सबको ये भी पता है कि हम सबका यूनिट है। तो हम यहाँ सब मिलके काम करते हैं। 7 हमारे पास गर्ल्स हैं और मार्केटिंग के लिए हमने 6-7 लड़के और रखे हुए। सर्विस के लिए लड़के अलग से हैं जो हमारा डिलीवर करते हैं स्टॉक जब रेडी होता है। तो ये कहना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट रहा है, तो तभी जाके हम यहाँ पहुंचे। क्योंकि हर कोई स्पेशली जो स्टूडेंट होता है उसके या हर कोई जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो एक यूनिट स्टार्ट कर पाए, फैक्ट्री स्टार्ट कर पाए या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर पाए। काफी मुश्किल होती है, काफी मुश्किलात आती है पैसे के लिहाज से। तो मुझे गवर्नमेंट ने PMEGP से स्पॉन्सर किया हुआ है लोन, तो उसके बाद ही मैं ये यूनिट जो है स्टार्ट कर पाई।